黎明悄悄划过天边，谁的身影穿梭轮回间，新的风暴已经出现，怎么能够停滞不前，穿越时空竭尽全力，我会来到你身边。आप देख रहे हैं सायरा ट्रेवलॉग्स और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आपको बैकग्राउंड से समझ आ रही होगी कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं अभी हूँ एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ बाई रोड। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे अगर बाई रोड ही जा रहे हो तो एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो, तो मैं आप लोग को बताती जाऊँ कि इतना भी बाई रोड नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा बाई एयर भी जा रही हूँ। यहाँ से जो चोंगचिंग सिटी है यहाँ से मैं उरुमची तक बाई एयर जाऊँगी। तो यहाँ से मेरे चोंगचिंग टू उरुमची फ़्लाइट का सफ़र स्टार्ट होता है। ग्राउंड में जाके अपने फ़्लाइट में बैठ जाती हूँ, उसके बाद उरुमची पहुँचने के बाद मैं ये एक होटल में बुक कर लिया यहाँ पे, और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगी। बाद में मैं फ़्रेश होके उरुमची के इंटरनेशनल बाज़ार जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ पे गई, और ये वीडियो भी आप देखेंगे पूरा, एक सिर्फ उरुमची के लिए एक पूरी वीडियो में बनाऊँगी जिसमें आप देख सकते हैं कि उरुमची इज़ ऑल अबाउट फूड एंड स्पेशली मीट। हर किस्म के आपको गोश्त यहाँ पे मिलेंगे, और मज़े की बात जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारा के सारा हलाल फूड है, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। जिस शॉप में भी जाके आप खाना चाहें आप आसानी से कोई भी चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि ये सारे उरुमची में सारे मुस्लिम्स हैं और वो सारे हलाल खाने खाते हैं। फ़िश भी मिलेगी आपको, तो ये तो बड़ा फ़िश मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे फ़िश भी हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, और ये सारा और मैंने अपने लिए थोड़ा सा इंजॉय किया, और कैप्स देखे और ऐसे शॉप्स एंटीक चीज़ें जिसमें थी फिर सर। उरुमची में एक दिन स्टे करने के बाद, इन्जॉय करने के बाद मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी काशगर। तो मैं ट्रेन से आई काशगर, यहाँ पे मैंने स्लीपर्स लिए, मतलब के जहाँ पे आपको बेड्स मिलते हैं आप सोते हैं, ये दो किस्म के आपको स्लीपर्स मिलेंगे, एक ये तीन देखिए बर्थ कहते हैं जिसमें तीन बेड्स होते हैं, ये सबसे ऊपर मेरा पोर्शन था, और दो वाले भी मिलेंगे आपको जो कि आई थिंक बिजनेस क्लास के होते हैं और फैमिली के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल है। दूसरी मेरी ट्रेन सीट वाली थी, इट इज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल, इसकी डिटेल वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले वाली ट्रेन में मुझे फूड मिला जो काफ़ी अच्छा था, जिसमें डार्क चिकन और सारा कुछ था, और बहुत एक रिच सा फूड था जो उसको मैंने इन्जॉय किया। इसकी प्राइस भी आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, तो इंतज़ार कीजिएगा और देखते रहिएगा वीडियो, आगे भी बहुत कुछ है।
ये है काशगर का बाज़ार, मेन बाज़ार जो कि बहुत मशहूर है। मैं अपने होटल बल्कि हॉस्टल मैंने यहाँ पे लिया और हॉस्टल की वीडियो थोड़ा सा आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश होने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं यहाँ का बाज़ार, जो कि मैंने सुना है काफ़ी मशहूर है, और आगे जाके हमें ओल्ड सिटी भी मिलेगी काशगर की। ये सारे खाने आप देख सकते हैं काशगर के मेन बाज़ार में, आपको हर किस्म के फूड मिलेंगे, चाहे वो गोश्त से रिलेटेड हो या आगे आप देखेंगे चावल इतने बड़े उसमें ये लोग चावल बना रहे हैं, और ये प्लेट एक प्लेट 35 यूआन की आपको मिल रही थी। खैर हमने मैं खाना खा के गई थी तो मैंने यहाँ से नहीं खाया। आगे चलते हैं तो हमें और भी मज़े के गोश्त डिफरेंट डिज़ाइन में मिलते हैं। ये पूरा एक शीप का साइज शेप उन्होंने बना के गोश्त बनाया, और ये है अंदर एक पुरानी सी ओल्ड किला टाइप, जिसके लिए आपको टिकट चाहिए होता है, आप अंदर जाके इंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़ा दूर से देखा, मुझे सबसे खूबसूरत लगी यहाँ का दरवाज़ा जो कि लकड़ी का बना हुआ था और प्यारे से डिज़ाइन में फूल बनाए हुए थे और बड़ा सा ताला लगा हुआ आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ की मशहूर गेट है और इसको हम अगले तरफ से नज़ारा करें तो जी ये नज़ारा है। इसमें लिखा हुआ है एंशियंट सिटी ऑफ काशगर। यहाँ पे थोड़ा मैंने इंजॉय किया, वापस आके मैंने खाना खाया जो कि बहुत यम्मी था, जिसमें नान और गोश्त को डिप करके सूप में डिप करके बनाया गया। ये था नज़ारा काशगर सिटी के रात का नज़ारा, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोग आ रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ की गलियों में मैंने थोड़ी वॉक की, और ये रात के 12:30 बजे मैं वॉक कर रही थी, और इट्स ऑल सेफ एंड इट्स ब्यूटीफुल सिटी, यू मस्ट विजिट। सो ये था हमारा काशगर सिटी, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आप देखेंगे मेरी अगले व्लॉग में। सो यहाँ तक आप सिर्फ इसके थोड़े से क्लिप्स देख सकते हैं। काशगर सिटी में ये हॉस्टल मैंने बुक किया था, जिसमें 4 सीटर्स हॉस्टल थी। ये इसका बाहर का नज़ारा काफ़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन में बनाया गया था। काशगर सिटी में इंजॉय करने के बाद, खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद, मेरी अगली मंजिल थी ताशकुरकान। जो ताशकुरकान के लिए जो मैंने बस ली थी वो कुछ इस तरह की थी, जो 8 सीटर थी, जो रास्ते में ख़राब हो गई हमने अगली बस ली 6 सीटर वाली। काशगर से ताशकुरकान के रास्ते में ये खूबसूरत सा पायशा लेक आता है, जहाँ पर हमने उतर के थोड़ा सा इंजॉय किया, और मैंने अपने लिए वीडियोज़ बनाई, अपनी पिक्चर्स बनाई। थोड़ा सा इंजॉय करने के बाद हम वापस आए ताशकुरकान पहुँचे, तो ये हॉस्टल ये भी हॉस्टल है लड़कियों की, तो 6 सीटर्स ये मैंने बुक की। इसकी प्राइस आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, और काफ़ी साफ और ख़ूबसूरत माहौल था। फिर मैं फ्रेश होके खाना खाने गई, ये मैंने नूडल्स खाए और चाय इंजॉय किया। उसके बाद मैं स्टोन सिटी में गई, जहाँ पे सिर्फ मैं एक टूरिस्ट थी, और मैंने सही इंजॉय किया। उसके बाद मैंने कहा कि अभी रात नहीं हुई है, थोड़ा सा बाहर जाके झूला झूलती हूँ। थोड़ा सा वहाँ पे झूला झूलने के बाद आगे मैंने सुना कि म्यूज़िक बाद में खुशी खुशी गलियों से आ रही थी। 12:00-1:00 बजे बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ से आने के बाद
मैं अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट लेने के लिए एक शॉप में चली गई। वहाँ अंकल से काफ़ी मुलाकात बातें हुई, वो अंकल भी चोंगचिंग के थे, उनसे काफ़ी गुफ्तगू होने के बाद फिर मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई। ताशकुरकान की इस खूबसूरत सिटी में एक दिन इंजॉय करने के बाद मेरा अगला सफ़र था गिलगित के लिए। तो सुबह में निकली अपने लगेजेस लेके और फिर टिकट लेने के लिए। आप यहाँ पे लाइन में सुबह 9 बजे आपने लाइन स्टार्ट करनी है, यहाँ से आप टिकट लेंगे, उसके बाद टिकट की प्राइस भी आपको मेंशन किया है मैंने एंड पे। थोड़ा टाइम था, मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ, ताशकुरकान में फूलों के खेत में गई। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस के हम जा रहे हैं। यहाँ से अपना सारा प्रोसेस करने के बाद, अपने एंट्री वो स्टैम्प लगवाने के बाद, तो ये बस स्टैंड है ताशकुरकान का, ताशकुरकान टू सुस। ये गाड़ी हम मिस्टर समीर के साथ आए और फिर रास्ते में मैंने सही खूबसूरत नज़ारे देखे, झील वगैरह और प्यारे प्यारे जानवर, मैंने सही इंजॉय किया। जब मैं खुंजरा पास उतरे हम लोग, वहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई, वीडियोस बनाई। साथ आते आते पशु कोन्स में तो उतरना लाजमी था। यहाँ पे खैर पशु कोन्स कट गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर इंजॉय किया। वहाँ से आगे आई मैं अतबात लेक, और थोड़ा अपने लिए मी टाइम देने के बाद शाम को ज़िप लाइन मैंने इंजॉय किया वहाँ गुलमित में। फिर ये एसी ब्रिज जिसमें मज़े की आवाज़, ये हुसैनी ब्रिज जो काफ़ी टफ था। अगले दिन हमने यहाँ पे बोटिंग भी की, जिसमें मेरी प्यारी सी जानू सी दोस्त मेरे साथ सारे टाइम यहाँ पे थी। उसके बाद मैंने अताबाद लेक को एक और देखा, खूबसूरत प्यारा सा लेक। रकापोशी जो था क्लाउड्स की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा था उधर के। मैंने आई लव हुंजा और हुंजा नगर जो सिग्नेचर नगर है यहाँ पे भी इंजॉय करने के बाद आगे आके एक और थोड़ा सा खूबसूरत सा बहता हुआ चश्मा। अगले दिन गिलगित में हम घूमे, आगे हेंजल की तरफ गए, जिसमें मेरे साथ खूबसूरत लोगों की कंपनी थी। हमने ट्राउट फिश इंजॉय किया। वापस आके हमने द कॉफ़ी श्राइन, आप लोग ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी इनकी कॉफ़ी होती है, यहाँ पे हमने थोड़ा इन्जॉय किया। जनाब यहाँ पे मेरे गिलगित का सफ़र ख़त्म होता है और अगला दिन मेरा गिलगित से इस्लामाबाद का सफ़र स्टार्ट होता है, जिसमें निकले हम तो बादलों ने हमारे साथ आना शुरू कर लिया। फिर रास्ते में जो 14 आवर्स हम फंसे रहे, इस तरह के कीचड़ बने रहे बेंचिस में, और हमारी गाड़ी यहाँ पे तकरीबन 10 घंटे खड़ी रही। लेकिन हमने आगे आके हमारे साथ मेराज भाई थे, उन्होंने हमारे लिए ये सारा होटल वगैरह बुक किया और मज़े का हमने खाना खाया, जिसमें कढ़ाई वगैरह। रात के 3 बजे जलकन चिला से हम निकले, 4:30 बजे बबूसार टॉप पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा सा बबूसार टॉप को इंजॉय किया मैंने, वहाँ पे स्नो वगैरह भी थी। तो जनाब 5 बजे लुलुसार लेक पहुँचे, यहाँ पे थोड़ा इंजॉय किया। फिर रास्ते में आते आते खूबसूरत बादलों के और ख़ूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करते हुए मेरे जो साथ मेरी फ्रेंड्स थी उनके साथ मैं इस्लामाबाद के लिए ऑलमोस्ट पहुँचने वाली थी। तो गिलगित टू इस्लामाबाद ट्रैवल चार्जेस आपको 7,000 मिलेंगे। फिर ये मैं पहुँची इस्लामाबाद, फूलों के साथ मेरा इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले जो मैंने काम किया वो जाके मैंने उसी शाम पाकिस्तानी खाने खाया, जिसका मेरा काफ़ी तरस गई थी खानों के लिए। तो ये था इस्लामाबाद का नज़ारा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है बजट। हमारी बजट कितनी होनी चाहिए, तो मुझे पड़े 3,000 RMB। लेकिन आप अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने पास 4-5K RMB ज़रूर रखिएगा। शॉपिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए। और मेरी जर्नी चोंगचिंग से लेके इस्लामाबाद तक टोटल मुझे ऑलमोस्ट एक वीक लगा। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इतना इंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ स्टे करते हैं और कितने दिन स्टे करते हैं। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, पासपोर्ट ना भूलिएगा कभी भी, और कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी होटल कर रहे हैं या ट्रेन वगैरह बस वगैरह जो भी आप कह रहे हैं,
उसकी टिकट आप एडवांस में बुक कीजिएगा, पहुंच के ना कीजिएगा, ये बड़ा मसला होता है। फिर जहाँ जिस जगह आप विज़िट करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करें कि आपने किस टाइम जाना। लगेज अपना बहुत कम रखना क्योंकि आसान सफ़र नहीं है, बहुत इंजॉय किया लेकिन इतना भी ईजी नहीं था जी। फिर बहुत सारा इंजॉय करें, स्टे करें जिस जगह आप जाएँ, उनकी खूबसूरती देखें, उनके कल्चर, उनका सारा कुछ, बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं। वंस अगेन आई एम्फेसाइज कि अपने इम्पोर्टेंट आइटम्स है लाइक आपके पासपोर्ट से, आपके चार्जर वगैरह है, वो कभी भी ना भूलिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स टोटली सेफ फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान के एक लड़की अकेली सोलो ट्रैवल करे तो आप बेशक जाइए, इंजॉय करें, और आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। स्पेशली आपको चाइनीज़ आती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जहाँ भी जाएँ, किसी भी कोने में जाएँ, स्कैमर और जो हमें फ्रॉड करते हैं उनसे बच के रहिए। और कोई भी यहाँ पे जाएंगे आपको कोई भी बंदा बहुत फोर्सफुली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो, इंसिस्ट कर रहा हो कि आइटम आप ले आपके लिए चाहिए वो, तो उससे ग्रेस कीजिए, अपने सफ़र इंजॉय कीजिए, अपने आइटम्स का ख्याल रखिए। तो मेरी तरफ से ये रूट जो मैंने लिया है चाइना टू पाकिस्तान, इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, जो चाहे अब लड़का है लड़की है, दोनों के लिए इट्स परफेक्टली सेफ और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आइटम्स का ख्याल रखें और सफ़र को इन्जॉय करें। आई होप मेरी इस व्लॉग के थ्रू आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने विजुअल इन्फॉर्मेशन भी लिया, कैसी जगह है, क्या क्या है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक पहुँचाएँगे और मेरे चैनल सायरा ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।